सो गाइस टेकन 8 के टीजर ट्रेलर में हमने अब तक दो ही कैरेक्टर देखा है, जिन और काजुया, जो कि ऑब्वियसली टेकन 8 में होंगे। बट अगर मैं कहूँ कि टेकन 8 में एक और कैरेक्टर कंफर्म हो गया है जिसका नाम है योशिमित्सु, और यहाँ नाम ही नहीं बल्कि योशिमित्सु का तो कैरेक्टर डिजाइन भी पता चल गया है, जो कुछ इस टाइप का होने वाला है। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ बल्कि इसके बारे में खुद टेकन के प्रोड्यूसर हराडा ने बताया है कि टेकन 8 में यही योशिमित्सु होने वाला है और इसका कनेक्शन गॉड ऑफ वॉर से भी है। सो ये जो भी टेकन 8 का योशिमित्सु कैरेक्टर है इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो फिर चलो, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, जल्दी से शुरू करते हैं। लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो। एंड इसी के साथ लेट्स बिगिन। तो देखो, सबसे पहले टेकन 7 के योशिमित्सु की बात कर लेते हैं, जिसे फैंस ने तो बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था। और इस बात से तो मैं भी अग्री हूँ भाई, बहुत ही बेकार था टेकन 7 में योशिमित्सु। क्योंकि एक बार देखो यारी से, ऐसा लग रहा है कि योशिमित्सु कोई एलियन है जबकि वो टेकन यूनिवर्स में एक ह्यूमन है, पर टेकन 7 में उसको एलियन जैसा कॉस्ट्यूम पहना दिया। और जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि योशिमित्सु सच में एक ह्यूमन है, जिसे क्रिएटर्स बस हर टेकन गेम में अलग कॉस्ट्यूम पहना देते हैं। तो कुछ गेम्स में योशिमित्सु के कॉस्ट्यूम अच्छे थे तो कुछ गेम्स में बेकार, लेकिन टेकन 7 ही एक ऐसा गेम था जिसमें योशिमित्सु के कॉस्ट्यूम को काफी ट्रोल किया गया, क्योंकि ये किसी भी एंगल से योशिमित्सु पर सूट नहीं कर रहा था। सभी को लग रहा था कि योशिमित्सु को एलियन बना दिया। और ये चलो कोई बात नहीं, टेकन 7 में योशिमित्सु के डिजाइन को अच्छा नहीं बनाया, बट टेकन 7 में योशिमित्सु की स्टोरी को भी बेकार कर दिया। एक बार ये टेकन 7 में योशिमित्सु के एंडिंग देखो। तो योशिमित्सु के डिजाइन के साथ स्टोरी को भी बेकार कर दिया। सेम लाइक पॉल फिनिक्स, योशिमित्सु को भी एक कॉमेडी कैरेक्टर बना दिया, जो कि योशिमित्सु की पर्सनालिटी पर तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता। क्योंकि योशिमित्सु मांजी क्लैन का लीडर है, वो अमीर लोगों से पैसे चुरा गरीबों में बांटता है, तो इससे आप समझ ही सकते हो कि योशिमित्सु कितना सीरियस पर्सन होगा। लेकिन टेकन 7 में सब चेंज। सो अब इन्हीं सब के चलते काफी सारे फैंस ने टेकन के प्रोड्यूसर हराडा को योशिमित्सु के डिजाइन के बारे में कंप्लेन की, और काफी सारे फैंस ने तो हराडा को ये भी कह दिया कि टेकन 7 के योशिमित्सु के डिजाइन से अच्छा तो हम बना सकते हैं। इसलिए फैंस ने हराडा को ट्विटर पर योशिमित्सु के काफी सारे डिजाइन फैन आर्ट शेयर किए, जिसमें किसी के डिजाइन अच्छे थे तो किसी के बेकार। लेकिन जब किसी राव ग्रासेट नाम के ट्विटर यूजर ने अपना योशिमित्सु का एक कैरेक्टर डिजाइन ने हराडा को टैग किया और कहा कि योशिमित्सु वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स, आई विल वांटिंग टू डू माय ओन टैग ऑन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि योशिमित्सु मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है और मैं लंबे टाइम से उस पर अपना अधिकार लेना चाहता हूँ। फिर इसके बाद जब हराडा ने योशिमित्सु का ये डिजाइन देखा तो उन्होंने भी रिप्लाई देते हुए ये कहा, वो इम्प्रेसिव, नेक्स्ट टाइम वी शुड कोलैबोरेट विद हिम टू वर्क ऑन योशिमित्सुस न्यू डिजाइन, मतलब कि अगली बार हमें योशिमित्सु के नए डिजाइन पर काम करने के लिए उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। मतलब समझ रहे हो, हराडा को योशिमित्सु का ये डिजाइन इतना अच्छा लगा कि वो इस बंदे के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट टाइम से मतलब यहाँ टेकन 8 से है। और जब मैंने इस राव ग्रासेटी बंदे के बारे में और भी रिसर्च किया तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था, और आपको भी रीजन बताने के बाद ऐसा रिएक्शन होगा। क्योंकि राव ग्रासेटी कोई आम बंदा नहीं है, ना ये कोई नॉर्मल टेकन फैन है, बल्कि ये तो सेंटा मोनिका स्टूडियो यानी सोनी के गॉड ऑफ वॉर के आर्ट डायरेक्टर हैं। क्यों शॉक्ड हो गए ना? मतलब ये काफी बड़ी बात है कि इतने बड़े आर्ट डायरेक्टर ने योशिमित्सु का डिजाइन बनाया। और इन्होंने यही नहीं बल्कि और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया है, बट ज्यादातर इन्होंने गॉड ऑफ वॉर के डिजाइन बनाए हैं। और जो रैग्नारॉक गेम आ रहा है उसके भी आर्ट डायरेक्टर यही है। सो इसलिए अब इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं कि टेकन 8 में यही योशिमित्सु, ऐसा ही योशिमित्सु के कॉस्ट्यूम का डिजाइन हो सकता है। और अगर योशिमित्सु का टेकन 8 में ऐसा ही कॉस्ट्यूम होने वाला है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये काफी अच्छा डिजाइन है और ऐसा फील भी देता है कि हाँ ये कोई ह्यूमन का आर्मर होगा, ना कि कोई एलियन का। और अगर सच में टेकन 8 में योशिमित्सु के कॉस्ट्यूम का डिजाइन ऐसा ही होने वाला है तो आओ फिर एक बार इस कॉस्ट्यूम को भी ठीक से देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो नोटिस हुआ कि इस योशिमित्सु के पास प्रीवियस योशिमित्सु के ही जैसे दो शॉर्ट्स हैं, और कॉस्ट्यूम में योशिमित्सु की
बॉडी का एक भी पार्ट नहीं दिख रहा है। पूरा कॉस्ट्यूम 90% मेटल और 5% कपड़े या फॉर्म से कवर है। और योशिमित्सु का जो हेड है वो टेकन 3 वाले योशिमित्सु से थोड़ा बहुत मैच करता है। सो मे बी ये डिजाइन टेकन 3 वाले योशिमित्सु से इंस्पायर्ड हो। बस इसमें इसके कॉस्ट्यूम और आर्मर को चेंज किया है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो योशिमित्सु का डिजाइन है वो फैंस के हिसाब से परफेक्ट है, क्योंकि फैंस ने हराडा से काफी रिक्वेस्ट की थी कि टेकन 8 में योशिमित्सु के कॉस्ट्यूम का डिजाइन निंजा या समुराई जैसा हो, या जो राफ ग्रासेटी ने योशिमित्सु का डिजाइन बनाया है उसे टेकन 8 में ऐड किया जाए। सो अगर टेकन 8 में ये योशिमित्सु होगा तो मैं आपको बता दूं कि एक समुराई का कॉस्ट्यूम है, तो बस फिर प्रॉब्लम सॉल्व। फैंस को जैसा योशिमित्सु चाहिए था वैसा मिल रहा है। बट ये जो ट्विटर पर बातें हुई है ये काफी टाइम पहले की है, और हराडा ने कहा तो है कि वो योशिमित्सु के इस डिजाइन के लिए राफ ग्रासेटी से कोलैबोरेट करना चाहते हैं, पर ये कंफर्म नहीं है कि पक्का टेकन 8 में यही योशिमित्सु होगा या हराडा इसे बस कोई डीएलसी या सीजन के लिए यूज करे। सो गाइस, जो कुछ भी था मैंने आपको योशिमित्सु के कैरेक्टर डिजाइन या कॉस्ट्यूम के बारे में सारी बातें बता दी। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको योशिमित्सु का ये डिजाइन पसंद आया, कि आप टेकन 8 में इस योशिमित्सु को देखना चाहोगे। जो भी तुम्हारे ओपिनियंस हैं मुझे कमेंट में जल्दी से बताओ। और बाकी जाते हुए वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लो। और मैं मिलूंगा आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।